2X 1, 2X 1. तो 2X 1 एक एक्सप्रेशन है है ठीक अब ये एक मशीन की तरह डिफाइन हो गया हुआ ठीक है इसके अंदर जब हम इनपुट डालेंगे इनपुट क्या है इनपुट इज एक्स इनपुट इज एक्स जिसको हम क्या कहते हैं डोमेन ये हमारे पास सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ डोमेन होंगे ठीक है इसी तरह से ये इसको प्रोसेस करेगा जैसे देखिये मैंने इसके अंदर टू रखा ठीक है इसने इसको प्रोसेस किया टू टाइम्स टू प्लस वन अब देखें इनपुट डाली इनपुट क्या थी टू ठीक है इसने इसको प्रोसेस किया तो यहां पे प्रोसेस हो रहा है लाइक नो दिस इज प्रोसेस गोइंग ऑन प्रोसेस हुआ और प्रोसेस होने के बाद आपको आउटपुट मिलगीव सो यहाँ पे आपको आउटपुट मिलगी फाइव इसका मतलब है टू जब आप डालते हैं इस फंक्शन के अंदर तो आपको आउटपुट के तौर पे मिलता है फाइव आप इसके अंदर थ्री डालेंगे आपको आउटपुट के तौर पे मिलेगा सेवन आप फोर डालेंगे आउटपुट के तौर पे मिलेगा नाइन ठीक है तो इसका मतलब है इस तरह का जिसमें वन एलिमेंट ऑफ डोमेन वन एलिमेंट ऑफ रेंज के साथ मैप करा लिया जाए तो वो बेसिकली हमारे पास कहलाता है एक फंक्शन एलजेब्रिक फंक्शन जब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के थ्रू कराया जाएगा तो वो एक एल्जेब्रिक फंक्शन कहलाएगा ठीक है अब देखें इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि एल्जेब्रिक फंक्शन की फर्दर टाइप्स हैं ठीक है जैसे हमारे पास एक पॉलिनोमियल फंक्शन है ठीक है नंबर वन हम बात करेंगे जी पॉलिनोमियल फंक्शन पॉली फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसके अंदर आपके पास एक्सपोनेंट होगा जेब्रिक एक्सप्रेशन का जो एक्सपोनेंट होगा यानी जो पावर उसकी होगी वो होल नंबर से बिलोंग करती होगी किससे बिलोंग करती होगी होल नंबर से ठीक है फॉर एग्जाम्पल आप लिखते हैं कि पी फॉर पोलिनॉमियल पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स एक फंक्शन है जिसको मैं डिफाइन करता हूँ जो लैसे टू एक्स फोर प्लस फोर एक्स थ्री प्लस फोर एक्स थ्री प्लस टू एक्स प्लस वन लट से अब ये क्या है एक पोलिनोमियल फंक्शन है ये एक पोलिनोमियल फंक्शन है क्योंकि इसमें देखें जो x की पावर है वो यहाँ पे फोर है यहाँ पे थ्री है यहाँ पे वन है और अगर यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो जीरो है तो हम होल नंबर से बिलोंग करते हैं अगर x की पावर तो या y की पावर या किसी भी वेरिएबल की पावर फंक्शन में तो वो एक काइंड ऑफ पोलिनॉमियल फंक्शन हो जाएगा ठीक है वो हमारे पास एक पोलिनोमियल फंक्शन है इसी तरह से आ, हम फर्दर अगर देखते हैं तो फर्दर इसकी टाइप्स में आ जाएगा हमारे पास लीनियर फंक्शन ठीक है यहाँ पे मैं, मैं मेंशन करूंगा नेक्स्ट हमारे पास है लीनियर फंक्शन लीनियर फंक्शन अब बल्कि यूं कह सकते हैं कि क्वाड्रेटिक की आई मीन पोलिनोमियल की फर्दर ही आगे टाइप्स आ गई लीनियर फंक्शन अब आ, यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात है कि अगर जब से हम एक एग्जाम्पल कि जो ली पोलिनियल फंक्शन नहीं है जैसे पी ऑफ एक्स अगर आप लिखते हैं इज इक्वल टू टू एक्स की पावर फोर बाय थ्री प्लस थ्री एक्स की पावर टू प्लस वन तो क्या एक पोलिनॉमियल फंक्शन नहीं बिकॉज पोलिनोमियल फंक्शन की पावर फ्रैक्शन में नहीं हो सकती ना ही नेगेटिव हो सकती है इसका मतलब है ये एक पोलिनॉमियल फंक्शन नहीं है ठीक है अब लीनियर फंक्शन की हम बात कर रहे थे लीनियर फंक्शन हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर जो आपके जो जो एक्सप्रेशन की डिग्री होगी वो वन होगी डिग्री से क्या हम होता है पावर ऑफ द वेरिएबल जब यहाँ पे अगर आप देखें तो इस पोलिनोम की जो डिग्री है वो कितनी है फोर बिकॉज ओवरऑल हाइस्ट पावर जो एक्स की है वो फोर है तो फोर इज अ डिग्री ऑफ दिस पोलिनोम अब लीनियर फंक्शन बेसिकली एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर आपके पोलिनोम जैसे मैं लिखता हूं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फाइव एक्स प्लस सेवन अब ये क्या है एक पोलिनॉमियल आज ये क्या है एक पोलिनॉमियल फंक्शन भी है और प्लस ये लीनियर फंक्शन भी है ये एक लीनियर फंक्शन भी है इससे अगर आप ग्राफ लॉट करेंगे ऐसे फंक्शन अगर आप ग्राफ लॉट करते हैं लाइक दिस इज एक्स एक्सेस ठीक है इसी तरह से दिस इज वाई एक्सेस ठीक है दिस इज काइंड ऑफ वाई एक्सेस और हमारे पास वन टू थ्री फोर एंड फाइव और यहां पे देखें वन कलर चेंज कर लेते हैं वन टू थ्री फोर फाइव एंड सो ऑन ठीक है तो अब अगर आप देखें तो लट से अगर आप x जीरो भी रखें तो y फिर भी आपके पास सेवन है सो so सोलेट से हम यहाँ इसकी स्केलिंग चेंज कर लेते हैं यहाँ पे हम इसको कहते हैं दिस 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 इज 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 ये फिफ्टीन है ये ट्वेंटी है ठीक है जबकि ये देखें तो ये हमारे पास टू है ये फोर है ये सिक्स है ये एट है यानी वन बॉक्स जो है वो यहाँ पे हम टू यूनिट के एक रख रह रहे हैं तो यहाँ पे वाई एक्सिस के ऊपर वन बॉक्स जो है वो फाइव के है, units के this is x -axis, है? अब यहाँ पे अगर आप देखें तो अगर आप यहाँ पे इसकी लाइन ड्रॉ करेंगे तो जो लिनियर फंक्शन होंगे उनकी उनके ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के दौर पर आएंगे हम बहुत दफा पढ़ चुके हैं लेकिन यहाँ पे चुके हम स्पेसिफिकली इसकी बात कर रहे हैं तो अगर आप एक्स जीरो रखेंगे वाई यानी अगर आप एक्स जीरो रखते हैं वाई फिर भी सेवन है तो इसका मतलब जीरो वाई सेवन सेवन समय यहाँ पे होगा ठीक है मैं डिफरेंट कलर लेता हूँ ये सेवन है ठीक है इसी तरह से जब एक्स वन रखेंगे तो वाई ट्वेल्व हो जाएगा जब एक्स वन यहाँ पे है तो वाई ट्वेल्व ऑलमोस्ट यहाँ पे है ठीक है जब एक्स आप टू रखेंगे तो वाई सेवनटीन हो जाएगा तकरीबन यहाँ पे ठीक है ऑलमोस्ट यहाँ पे इस तरह अगर आप इन तीन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें अगर आप और पॉइंट्स भी ले लेंगे तो ग्राफ अच्छा बन जाएगा ठीक है लेकिन अगर आप जो है वो इसको एक्सटेंड करेंगे तो आप देख सकते हैं कि लीनियर फंक्शन जो होते हैं उनकी उनके जो ग्राफ बनते हैं वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन होती है देखें जब भी मैं एफ एफ एक्स लिखता हूँ तो इसका मतलब बेसिकली वाई होता है इसके अंदर हमने देखा था कि फंक्शन के अंदर एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है अमूमन जो है हम x को डिपेंडेंट x को इंडिपेंडेंट कंसिडर करते हैं और y को डिपेंडेंट लेते हैं ठीक है सो so x के तमाम एलिमेंट्स सेट ऑफ डोमेन में आते हैं और y के तमाम एलिमेंट्स सेट ऑफ रेंज में आते हैं इसी तरह एक काइंड ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन भी है ठीक है आइडेंटिटी फंक्शन ये क्या फंक्शन है देखें यहाँ पे मैंशन मैं करता हूँ आइडेंटिटी फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन आइडेंटिटी आइडेंटिटी फंक्शन अब ये कैसा फंक्शन है आइडेंटिटी फंक्शन बेसिकली एक ऐसा फंक्शन है देखें आइडेंटिटी फंक्शन एक काइंड ऑफ फंक्शन है जिसके अंदर आप लिखते हैं लेट से जिसमें आप की की और x की value जो है वो सेम रहती है दिस इज काइंड ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन ठीक है दिस इज का एक्स होगा उतना वाई होगा ठीक है जितना एक्स होगा उतना वाई होगा इसका मतलब ग्राफ, ग्राफ इसका प्लॉट करते हैं ग्राफ इसका प्लॉट करते हैं तो ग्राफ आपके पास सम वर्ट आएगा लेट सपोज जैसे मैं वाई और एक्स वाई जो एक्स का ग्राफ लॉट करता हूँ तो मेरे पास अगर एक्स वन है वाई वन है ठीक है ठीक है एक्स टू है वाई बी टू है लाइक यहाँ पे एक्स थ्री है वाई थ्री है एक्स फोर है वाई फोर है तो ये काइंड ऑफ दिस इज एक्स एक्सेज ठीक है यहाँ पे मैं एरोज समय नहीं लगाता तो आप्यूम करेंगे हम लगा रहे हैं। इस तरह यहाँ पे थ्री है, वाई थ्री है। तो अगर आप इन तमाम पॉइंट को ज्वाइन कर दें तो यू वु आपके पास एक काइंड ऑफ ऑफ दी फंक्शन का ग्राफ हो जाएगा जिसमें वाई इज इक्वल टू एक्स जितना वाई होगा उतना ही एक्स होगा ठीक है इसी तरह से

तो आप देख सकते हैं कि दिस इज ऑफ एक्स एक्सिस कोई भी वैल्यू ले सकता है जैसे अगर आप यहां पे देखें तो वाई एक्स इक्वल टू वन टू थ्री सॉरी वाई टू वन टू थ्री एंड फोर इसका मतलब वाई फोर है एक्स की कोई भी वैल्यू हो सकती है तो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ जाएगी इसका ग्राफ क्या आ जाएगा लाइन पैरल टू एक्सिस क्योंकि आप किसी भी पॉइंट पे ले लें फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वन है यहाँ पे टू है यहाँ पे थ्री है यहाँ पे फोर है यहाँ पे फाइव है यहाँ पे देखें माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर यहाँ पे पॉइंट प्लॉट करें यह कितना है लेट्स सपोज दिस इज वन वन फोर बिकॉज वाई तो फोर है इसमें इसी तरह सेकंड यहाँ पे इस पॉइंट को प्लॉट करें यह आ जाएगा टू फोर फिर भी वाई फोर है इस पॉइंट को प्लॉट करें यह आ जाएगा बल्कि इस यही फंक्शन एक्स इज इक्वल टू अगर आप इन्वर्स कर लें इसका तो एक्स इकुलर हो जाएगा ठीक है एक्सक्यूट फोर हो जाएगा तब भी ये फंक्शन जो है वो बेसिकली आपका काइंड ऑफ कॉन्स्टेंट फंक्शन कहलाएगा तो ये बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन है जो यहाँ पे हमने स्टडी किए